नाश्ता में दोस्तों ये देखो बचा हुआ इतना सारा चिकन, देसी चिकन हम लोगों का। तो भाई थोड़ा सा हादसा हो गया जो कि उसमें हम लोगों का 7,000 रुपये नुकसान हो गया हम लोगों का। भरा है मेरा पूरा दिल दुख गया, हृदय दुख गया दोस्तों, क्या बोलूँ। तो मैंने डिसाइड किया है दोस्तों कि मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊँगा, छोड़ दूंगा, मैं इस वाली गाड़ी को चलाऊंगा ही नहीं, अब मैं छोड़ दूंगा। तुम जाना तुम्हारा काम जाने बोल रहा है सीधा सीधा, ठीक है भाई हमारा काम जाने, हम ही छोड़ देंगे यार। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो हमारे नए व्लॉग में फिर से स्वागत करता है आप लोगों का अजय भाई। तो दोस्तों इस समय भाई हम पहुँच चुके हैं लोहरदगा, जो कि भाई यहाँ से बचा होगा हम लोगों का चतरा ज़्यादा से ज़्यादा भाई 60-70-80 किलोमीटर और बचा होगा, बाकी जंगल में रुके हुए हैं दोस्तों। चेक कर सकते हो भाई यहाँ का जंगल बहुत ही बढ़िया है। और दोस्तों मैं बताना चाहूँ भाई कि पानी भाई रात से पानी लगातार भाई गिर रहा है, जो कि भाई देख सकते हो पूरा मौसम एकदम भयंकर हो रखा है भाई, बहुत ही ज़्यादा समझे। तो दोस्तों पानी वगैरह तो पूरा गिर रहा है, और कल तो इतना ज़्यादा ठंड भी नहीं था, लेकिन अभी सुबह सुबह इतना ज़्यादा ठंड भी लगना चालू हो गया, क्योंकि बरसात जो है ना थोड़ी थोड़ी गिर रही है, तो पूरी नमी हो जाएगी भाई धरती, फिर उसके बाद देखना बहुत ही ज़्यादा ठंडी हो जाए। और ऐसे भी फरवरी का महीना लग गया है ना। तो दोस्तों अभी निकलते भाई यहाँ से, अभी चाय पानी नाश्ता हम लोगों का कुछ हुआ नहीं है, जाके आगे में करते हैं। लेकिन मौसम जो है भाई, मौसम बहुत ही भयंकर हो चुका है, चेक कर सकते हो आप लोग, पानी फिर से गिरना चालू हो गया है, देख सकते हो पूरा एकदम भाई मौसम पूरा एकदम सुहाना हो रखा है भाई। तो ठीक है दोस्तों चलते भाई यहाँ से निकलते हैं, कंटिन्यू भाई ब्लॉग में बने रहो, एंड नए तो चैनल को सब्सक्राइब करो। दोस्तों अभी लोहरदगा भाई पहुंच चुके हैं, जो कि देख सकते हो भाई लोहरदगा सिटी धीरे धीरे पार करना पड़ेगा, क्योंकि जो हमारा भाई पाइप का हाइट है ना थोड़ा सा ज्यादा है इसके वजह से। और बाकी यहाँ पर देख सकते हो अभी नाश्ता चल रहा है हम लोगों का, मस्त मौसम है और ठंडा ठंडा नाश्ता चल रहा है नमकीन का, देख सकते हो दोस्तों वायर बहुत ही नीचे नीचे है, इसकी वजह से हम लोगों को देखते देखते जाना पड़ रहा है भाई, टूट टूट जाएगा ना तो लफड़ा हो जाएगा है ना। खतरनाक हो गया इधर देख सकते हो, मतलब कल रात से ही पानी गिर रहा है ना, इसके वजह से ऐसा कुछ मौसम हो गया है आज। मतलब मजा भी आ रहा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई धीरे धीरे चलना पड़ेगा, क्योंकि कोहरे के टाइम में भाई आराम से ही गाड़ी चलानी पड़ेगी समझे। बाकी अजीत भाई इधर बैठे हुए देख सकते हो, यहां से लातेहार मोनिदीगर बालूमाथ चतरा 87 किलोमीटर बचा हुआ है दोस्तों। मैं तो सोच रहा था भाई कम ही बचा होगा, 87 किलोमीटर बचा हुआ है अभी भी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, पार हो जाएगी भाई बहुत ही जल्दी, क्योंकि मौसम भी ऐसा हो रखा है, और प्लस क्या कहते हैं पब्लिसिटी भी ज़्यादा नहीं मिलेगी, ट्रैफिक वगैरह भी ज़्यादा नहीं मिलेगा, क्योंकि बाइक वाले जो है भाई भीगने के लिए रोड पर नहीं चलेंगे है ना, तो अपन भाई धीरे धीरे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी 10 किलोमीटर बचा हुआ है हम लोगों का जगह, और सुबह के बज चुके हैं भाई 9:30, तो हम लोगों को नाश्ता करने का टाइम हो गया है। तो नाश्ता में दोस्तों ये देखो बचा हुआ इतना सारा चिकन, देसी चिकन हम लोगों का, देख रहे हो क्या लाजवाब भाई। तो चावल भी बचा हुआ था हम लोगों को इसी तरह का से, ये देख सकते हो कितना सारा सब्जी बचा है। तो अभी हम लोगों का भाई यही चलेगा अभी,
लाजवाब। तो दोस्तों निकल चुका है हम लोगों का भाई खाना सुबह सुबह का, तो खा लेते हैं उसके बाद में निकलते हैं यहाँ से भाई। तो दोस्तों हम लोगों का चिकन भाई बहुत ही बढ़िया टेस्टी आ रहा है भाई, रात भर में ठंडा हो गया और उससे प्लस भाई टेस्ट भी बढ़ गया, जो भी नमक मिर्ची है भाई पूरा अच्छी तरीके से मांस के अंदर घुस गया है, तो और भी टेस्ट लग रहा है भाई खाने में। तो फाइनली दोस्तों हम लोग भाई जगह पर पहुंच चुके हैं, ऑलमोस्ट भाई गाड़ी को खाली करने का टाइम भी आ गया है, बाकी अभी जो अभी हम लोग भाई मतलब नाश्ता वगैरह करके निकले थे उसके बाद में जैसे पहुंचने वाले थे 5-6 किलोमीटर पहले ही हम लोग, बाकी जो हुआ है भाई वो वायर वगैरह था ना जैसे टूट गया, जो पीछे का हिस्सा होता है ना आपको दिखाऊंगा अभी मैं, पीछे का हिस्सा क्या है ना पूरा गोल बंधा है, ये रोल टाइप का है, तो रोल क्या है ना ऐसे बंधा हुआ था तो खुल गया तो ऊपर हो गया था, तो उससे क्या हुआ जो वायर वगैरह है गांव घर का तो वो टूट गया। अब टूटने के बाद में क्या हुआ दोस्तों कि भाई अब लगाया मैं क्या कहते हैं भाई सेठ को फ़ोन लगाया, यहाँ के कंपनी वाले को लगाया तो पहुँचे वो लोग, बाकी वो लोग जुड़वा देंगे ऐसे बोला, और बाकी जो वायर लाना पड़ेगा वो आपके पैसे से लाना पड़ेगा ऐसे बोला, तो मैं ठीक है सेठ को फ़ोन लगाया, तो सेठ बोलता है भाई कि क्या कहते हैं मैं नहीं जानता उसके बारे में, भाई गाड़ी किसकी है हाइट क्यों भरवाए और क्या बोलते हैं कि भाई मतलब हाइट भरा है तो उसका मतलब आप देख के चलो ना गाड़ी को, मैं नाश्ता करने के लिए रुका था उस समय मैंने गाड़ी को भाई पूरा देखा था कहीं खुला खाला तो नहीं है, लेकिन उस बात को मान ही रहे हैं, एग्जाम्पल के लिए गाड़ी को ले लो, अगर गाड़ी में चला रहा हूँ अचानक से कुछ भगवान ना करे ऐसा अचानक से कहीं टायर खुल के गिर गया टूट गया तो उसमें मैं क्या कर सकता हूँ, उसमें तो कुछ नहीं कर सकता हूँ ना, बात यह है। तो अब वो उस चीज़ को समझ नहीं रहा है, तो 7,000 रुपये मैंने अपने पॉकेट से भरा है, मेरा पूरा दिल दुख गया हृदय दुख गया दोस्तों क्या बोलूँ, और जो ये पाइप भर के आते हैं ना हम लोग तो इसमें हम लोगों को कुछ बचता नहीं है, सिर्फ 3500 रुपये खर्चा देता है, उसमें क्या कहते हैं भाई 2000 रुपये 2500 रुपये हम लोगों का ऐसे ही खर्चा आ जाता है, रोड खर्चा खाना पीना का जोड़ोगे 300 रुपये के हिसाब से तो आप लोगों का 1200-1300 रुपये वो बन जा रहा है, तो कुछ नहीं मिलने वाला दोस्तों हम लोगों को पता है इसमें, लेकिन फिर भी क्या कहते हैं भाई हम लोग चलते हैं, चलो चल रहा है जो भी जैसे भी है ना, तो भाई कुछ नहीं होने वाला। तो 7,000 रुपये मैंने अपने जेब से भरा, मेरा बहुत दिमाग ख़राब हो गया, बहुत ही मतलब अच्छा ही लग रहा है एकदम भाई क्या बोलूँ मैं आप लोगों को। तो मैंने डिसाइड किया है दोस्तों कि मैं अब गाड़ी नहीं चलाऊँगा, छोड़ दूँगा, मैं इस वाली गाड़ी को चलाऊँगा ही नहीं, अब मैं छोड़ दूँगा, अभी जाऊँगा इस बार रायपुर, उसके बाद मैं गाड़ी को छोड़ दूँगा चाहे सेठ कुछ भी बोले, और गाड़ी मेरे को ही मिल गई है, हमको रांची से अपनी गाड़ी मिल गई है, रांची से क्या कहते हैं गाड़ी हम लोगों को मिलेगी ऑल इंडिया, तो रांची से पकड़ेंगे कंटेनर गाड़ी है और ऑल इंडिया चलेगी, ऑल इंडिया गाड़ी हम लोग चलाएँगे ठीक है, बाकी इससे कोई फ़ायदा नहीं है ऐसे में, तो सेठ कहीं कुछ हो जा रहा है तो फिर मैं जानता ही नहीं हूँ मेरे को क्या करना है ऐसे बोल देगा है ना, बात यह है, तो इसके वजह से भाई ऐसा कोई काम नहीं करना, उससे अच्छा हटाओ अपना दूसरे गाड़ी पकड़ते हैं। 4 साल हो गया दोस्तों, 4 साल में अभी तक मतलब विश्वास नाम की चीज़ नहीं है आदमी के अंदर, ठीक है कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं, अगर सेठ जी आप भी देख रहे होगे तो मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा आपको तो, ठीक है बाकी मैं तो गाड़ी छोड़ दूंगा, मेरे पूरा ये है मेरे ऐसी कई बार भी हुआ, एक बार मेरे से गाय लग गई थी, गाय मतलब मैं जा रहा था रांची जा रहा था सिमडेगा से सिमडेगा के बाद में क्या है रात को थोड़ा नहीं दिखी गाड़ी, मतलब लाइट भी कम था, मैं लाइट जलाया उसके बाद में थोड़ा सा लाइट जलाया उसके बाद में एकदम चमक गई गाड़ी, कभी कभी डर नहीं जाती है गाय साहब उसी टाइप का मतलब डर गई वो, अब डरने के बाद में क्या हुआ भाई कि क्या कहते हैं गाय मेरे तरफ दौड़ दिया, मैंने पूरा मतलब काटा पाइप ही भर रखा था पूरा मैंने अपना काटा ड्राइवर साइड, लेकिन भाई नहीं बचा उस साइड में थोड़ा सा लग गया, तो क्या हुआ गांव वाले लोग मेरे को पकड़ लिए भाई, उसके बाद में क्या बोल रहे हैं भाई पैसा दो, अब मैं सेठ जी को लगा रहा हूँ तो उठा नहीं रहे थे, उसके बाद में मैंने अपने जेब से भरा, उसके बाद में मैंने बताया ऐसा ऐसा बात है तो नहीं मान रहे थे, कहीं पर ठोक दिया होगा ऐसा कर दिया होगा ऐसा टाइप का बात आ गया, तो ठीक है कोई बात नहीं भाई मेरी गलती है ना, मैंने भरा पैसा 1 रुपये नहीं दिए, उस दिन भी मैं चुप रहा चलो हटाओ कोई बात नहीं मेरी गलती है, लेकिन ये पाइप वगैरह खुल गया इतना हाइट भरवाए तो आपकी गलती है ना, इतना हाइट भरवाया हो इतना कम पैसा देते हो हैं तब तो ये बेकार है। ठीक है दोस्तों अब भाई ये गाड़ी नहीं चला पाएंगे, और बाकी आप लोगों को दिखाता हूँ मैं पीछे से कैसा टाइप का खुल गया, इसी वजह से मैंने खाली भी नहीं किया, आप लोगों को दिखाता हूँ चलो।
सकते हो दोस्तों, ये वाला जो पाइप था यही वाला हम लोगों को भाई खुल गया था, इसी की वजह से भाई फंस गया था पूरा। तो इसी की वजह से 7,000 रुपये हम लोगों को भरना पड़ रहा है। बाकी अभी गाड़ी को खाली करते फिर उसके बाद मैं यहाँ से निकल के अपना भाई जाएंगे सीधा घर, घर पे सब सामान वगैरह उतारेंगे, उसके बाद में भाई गाड़ी को छोड़ देंगे, है ना। ठीक है दोस्तों, गाड़ी खाली कर लेते हैं। गाड़ी खाली हो चुकी है भाई, अभी पट्टा उट्टा सबको समेट रहे हैं, बत्ता भी लगा दिए देख सकते हो। और यहाँ से निकलते हैं दोस्तों। अभी किसका किसका और वायर टूटा बोल रहे थे, बुला रहे वहाँ पे वो होटल के पास, तो अभी वहाँ पे जाएंगे भाई, पता चलेगा किसका क्या नुकसान। और बहुत ज़्यादा कोई नुकसान हो गए बोल रहे थे वो लोग, 7,000 रुपये पहले ऐसे भर के आ रहे भैया। और अभी और किसी किसी का पता नहीं किसका किसका टूटा है, देखते हैं दोस्तों वहाँ पर क्या होता है भाई। सेठ तो साफ मना कर दिया भाई, देऊँगा ही नहीं, तुम जाना तुम्हारा काम जाने बोल रहा है सीधा सीधा। ठीक है भाई, हमारा काम जाने हम ही छोड़ देंगे यार। ठीक है, देखते हैं दोस्तों क्या होता है। तो ऑलमोस्ट दोस्तों भाई निकल चुके हैं, गाड़ी को खाली वाली करके जो भी पैसा वगैरह देना था जिसको भाई दे दिए हैं। ठीक है, ऐसे तैसे करके भाई पूरा पूरा इस चक्कर हम लोगों का नुकसान हो गया है, क्या करें। चलो जो होता है दोस्तों अच्छे के लिए होता है ना। बाकी चलते हैं अभी सीधा घर चलेंगे भाई, गाड़ी को ना मतलब सब सामान वगैरह को उतार के सीधा अपना निकल जाएंगे भाई दूसरे काम के लिए। बहुत हो गया दोस्तों, बहुत झेल लिया यार, समझे। चलते देख सकते हो अभी दूसरे रास्ते से जाना पड़ रहा है, क्योंकि उस रास्ते में 2-3 जने का टूट गया था ना इसके वजह से, तो एक जने का तो बनवा दिए, उसी में 7,000 रुपये हम लोगों का लग गया ऐसे तैसे करके। बाकी अभी फिर बोला पार्टी वाला कि दूसरे रास्ते से चले जाओ, वो लोग हो रहे थे पूछने के लिए, उन लोगों को बता दिया था गाड़ी होके खाली होके चली गई है, तो लोग कुछ नहीं बोले। बाकी फिर जाऊंगा उस रास्ते में तो फिर पकड़ लेंगे। तो देख सकते हो मैं दूसरे रास्ते से भी जा रहा हूँ, ये 2-3 किलोमीटर और बचा हुआ है, उसके बाद अपना हाईवे आ जाएगा, फिर वहाँ से सीधा निकल जाएंगे दुबला। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। दोस्तों अभी पहुंचे भाई बालू मात, तो बालू मात में भाई डीजल वगैरह डलवा रहे हैं, 5,000 का डीजल यहां से लेके भाई निकलेंगे, बाकी आगे मिलेंगे जाके। यहां डीजल का रेट कितना रुपए है भाई देख लेते हैं, डीजल का रेट देख सकते हो, चेक कर सकते हो आप लोग। तो दोस्तों अभी हम लोग भाई चंदवा पहुंच चुके हैं, जो कि देख सकते हो रेलवे क्रॉसिंग के पास में भाई खड़े हुए हैं, तो अभी वेटिंग ले रहा है भाई, है ना। तो मैं अभी गया था भाई बगल में ही अंडर रेडी था, तो देख सकते हो सुबह से कुछ खाए भी नहीं, मतलब सुबह खाए थे, अभी दोपहर में कुछ खाए नहीं, तो इसकी वजह से मैंने अभी लिया है भाई अंडा वगैरह लिया है। तो अभी यही चल रहा है हम लोगों का खाना वगैरह, देखते हैं आगे हम बनाएंगे, ऐसे भी टाइम हो गया है, देखते हैं जो भी बनाएंगे तो बना लेंगे। बाकी भूख बहुत तेज लग रही थी दोस्तों। तो दोस्तों खा लेते भाई अभी अंडा, तो दोस्तों अभी भाई चंदवा से निकल चुके हैं, और बाकी थोड़ा सा घाट पड़ता है ना तो वहां पर है, जो कि देख सकते हो कितना ज्यादा कोहरा है, धीरे धीरे जाना पड़ रहा है दोस्तों इसकी वजह से। भाई साहब कोहरा देख रहे हो, तो मैंने पीला वाला लाइट जला रखा है इसके वजह से थोड़ा दिख रहा है, व्हाइट वाला जला दूंगा तो पूरा बंद हो जाएगा, दिखना ही बंद हो जाएगा भाई। देख रहे हो कितना भयंकर हो रहा है भाई साहब, ऐसी हालत में भाई आराम आराम से चलाना पड़ता है गाड़ी, है ना, आराम आराम से चलाएंगे भैया हम लोग को, तो दिख नहीं रहा है ऐसे तो। बाकी फोन वही चला लेते हैं अपना, पार करते हैं दोस्तों धीरे धीरे भाई। दोस्तों ये सीन देख सकते हो भाई, इन गाड़ी वाले को जो कि भाई अपने साइड चलने छोड़कर
रॉन्ग साइड पे चल रहा था अभी ये गाड़ी, पता नहीं भाई, पता नहीं जब जैसे ही मतलब कि जैसे ही मतलब कि कुछ मतलब रास्ता खाली होता है ना, उसके बाद फिर से रॉन्ग साइड चलने लग जाता है अपने आप, पता नहीं क्यों। देखना अभी फिर उसी तरफ चला जाएगा, अपने लाइन छोड़ के भाई दूसरी लाइन में चला जाता है ये, पता नहीं नींद में या क्या। ये देखो फिर गया, ये अपनी साइड है ये वाली, अरे ये भैया इस तरफ चल रहे, ये देखो फिर मार रहे कट भाई। इतना कोहरा है उसके बावजूद यार ऐसा थोड़ी कर, ऐसे थोड़ी करना चाहिए यार, अपने साइड चलो यार, वो सामने से गाड़ी आने वाली भी घुस जाएगी इसी में। ये देख सकते हो ये अलग ही चल रहा है भाई, इसका मतलब अलग ही। ये फिर गया रॉन्ग साइड, जब से रोंगी साइड जा रहा है, और जब से रोंगी साइड जा रहा है, जैसे गाड़ी आ रहा है फिर इस तरह घुस जा रहा है अपनी साइड। तो दोस्तों अभी भाई गुमला पार कर लिए हैं, गुमला पार करके भाई रुके हुए हैं होटल वगैरह में खाना उना खाने के लिए, जो कि भाई गाड़ी को साइड में लगा दिए हैं अभी देख सकते हो। खाना वगैरह खाते हैं फिर उसके बाद में भाई यहाँ से निकलते हैं ना, तो चलते खाना वगैरह खा लेते हैं दोस्तों। ढाबा पर तो भाई पहुँच गए लेकिन लाइट वगैरह है नहीं, कम लाइट है क्योंकि लाइट ही नहीं है ना। तो अभी ऑर्डर वगैरह तो हम लोगों ने कर दिया है, दाल तड़का और सेव मसाला, जो कि खाते हैं भाई। मौसम बहुत ही ठंडा हो गया है और पता है लाइट भी नहीं है, पूरा अंधेरा छा गया इधर। खाना तो भाई आ गया हम लोगों का, ये तड़का और इधर रोटी, सेव भाजी अभी आई नहीं, मतलब सेव टमाटर आया नहीं अभी, बाकी तड़का चेक कर सकते हो। काफ़ी दिन बाद हम लोग कोई होटल पे खा रहे खाना। ये आ गया भाई सेव भाजी, गर्मा गर्म खा लेते भाई खाना गर्मा गर्म भाई, फिर निकलते हैं यहाँ से। ये भाई सेव भाजी, तो खा लेते दोस्तों अपना खाना भाई। बहुत ही सही लग रहा है दोस्तों, डब्बे वाला भाई छोड़िएगा पहले वाला, अब दूगो चाय के, दूगो चाय और खाना का नहीं छोड़िएगा, तो दोस्तों खाना पीना भाई हम लोगों का हो चुका है और बाकी अभी हम लोग जा रहे हैं सीधा यहाँ से भाई जसपुर, जसपुर वगैरह में जाके सो जाएंगे क्योंकि कोहरा जो है ना भाई, कोहरा बहुत ही ज़्यादा दबा के कर रहा है। तो भाई चलते हैं, उसके बाद में भाई उधर ही आराम वगैरह करेंगे फिर सुबह निकलेंगे। बाकी चेक कर सकते हो कोहरा, देख सकते हो बहुत ही भयंकर वाला हो रखा है। और ब्लॉग भी दोस्तों एंड करते हैं, और ब्लॉग पसंद आएगा तो भाई लाइक कर देना, ठीक है। मिलते हैं एक और नए प्यारे से ब्लॉग में, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, टाटा, बाय बाय दोस्तों।